ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर रहे दबंगों ने महिला को बंधक बनाकर पीटा। गराठा थाना पुलिस ने हल्की धाराओं में किया मामला दर्ज। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे दबंगों को रोकना एक महिला को महंगा पड़ गया। दबंगों ने महिला को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी आंख में गंभीर चोट आ गई। घायल अवस्था में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कहाँ से आई आप? पसौरा से। थाना कौन सा लगता है आपको? गराठा। क्या समस्या है आपके साथ में? क्या हुआ? हमारी समस्या यह है कि ग्राम समाज की झगड़ा रही है, उसमें दीवार उठा रहे थे, हमने मना किया, सुबह हमको मारने लगे। कौन कौन लोग थे वो लोग? जगत सिंह, उदय भान, पवन, दिलीप और अमलेश और सपना और सौरभ। किस चीज से मारा, कहाँ चोट आई? उन्होंने हमें पहले एक कुल्हाड़ी से डंडा बेट से मारो छुना के, फिर उसके बाद ईंटा मारने लगे, फिर गिरा के ना गला पकड़ के मारा। आँख में किस चीज से चोट लगी? आँख की मैं कर रहे के ना, एक चाहे कुल्हाड़ी की लग गए हो चाहे हाथ का हाथ लग गया, हम देख नहीं पाए। जबी से नहीं दिख रहा? हमें जबी से नहीं दिख रहा। कब से भर्ती हैं आप? हम कल से हैं भर्ती। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस हमने पुलिस को 100 नंबर लगाया था। पुलिस आई थी? आई थी। क्या कह रहे थे? उसने मना किया था कि ये दीवार ना उठाओ, फिर भी उन्होंने दीवार उठाई। दबंग लोग हैं क्या? बोलो घुमा भी है कौन? वे दबंग लोग हैं, सबसे खाए हैं परिवार के। वहीं महिला ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने दबंगों को बचाने के लिए हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक गराठा थाना क्षेत्र के ग्राम पसोरा निवासी महिला ब्रह्म कुमारी पत्नी प्रताप सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि पड़ोस में रहने वाले दबंग घर के पास पड़ी ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे थे, जिस पर उसने मना किया तो दबंगों ने उसे घर में घसीट कर ले जाते हुए बंधक बनाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी आंख में गंभीर चोट आ गई और दबंग धमकी देते हुए भाग गए। गंभीर अवस्था में घायल महिला को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तो को बचाने के लिए पुलिस ने हल्की धाराओं में उसकी प्राथमिकी दर्ज कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।